हमारे देश में बहुत सारे तरह तरह के त्योहार होते हैं, होली दिवाली और हर तरह के धर्मों के त्योहार होते हैं। बसंत पंचमी एक त्योहार है जो जब सर्दी का मौसम, जब ठंडी का मौसम खत्म होने लगता है और गर्मी आने वाली है, होली का टाइम है, उस समय ये त्योहार होता है बसंत पंचमी। एक्चुअली पूरा जनवरी से लेकर मार्च तक का जो पूरा पीरियड है उसको वसंतोत्सव भी बोलते हैं, जिसमें वसंत के बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें नई फसल उगती है, उसको काटा जाता है, फल फूल बहुत सारे चारों तरफ फूल होते हैं, और खासतौर पे आपने देखा होगा कि सरसों के फूल, पीले फूल पूरे खेतों में लगे होते हैं। तो ये त्योहार बरसों से सौ हजारों साल से मनाते आ रहे हैं। उसमें कुछ छोटी मोटी पूजा भी करते हैं कुछ लोग, जैसे बंगाल में इसको सरस्वती पूजा या इस तरह के बहुत सारी चीजों से मनाया जाता है। आजकल के जमाने में आपने देखा होगा कि हमारी जो अपनी अपनी धार्मिक पहचान है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई दलित है, कोई कुछ है, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिशियन हमारे जो नेता लोग हैं वो भड़काते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसे है, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। लेकिन हमें, अगर हम थोड़ा सा अपने पुराने दिनों में जाएं, अपने पास्ट में जाएं, सौ साल पहले, हजार साल पहले, तो हिंदू मुस्लिम सिख काफी लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते थे, एक दूसरे के साथ मिलके होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे, बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग एक साथ मनाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा डिवाइड किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है कि तुम इधर हो, तुम यहां रहो, तुम इधर रहो, ये मुसलमानों की कॉलोनी है, ये हिंदू की कॉलोनी है, ये इसमें नहीं जा सकता, उसमें नहीं जा सकता। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम ऐसे अलग अलग होके रह सकते हैं,